हमें मिल जाएंगे कि क्या चीजें जो है वो होनी चाहिए. ओके, द कंपनी इज द बिगेस्ट ब्लॉकचेन कंपनी टेक्निक सॉरी द बिगेस्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंपनी एज वी ऑल नो. और ये क्या करना चाहती है, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बनाना चाहती है. राइट, वी ऑल नो अबाउट दिस दैट दे वांट टू बिल्ड अ वेरी बिग कम्युनिटी एंड द कम्युनिटी व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज नाउ लाइक द 30 मिलियन पीपल व्हाट दे आर लुकिंग. राइट, सो हियर नाउ फॉर द 30 मिलियन पीपल व्हाट दे आर नॉट लुकिंग फॉर पीपल जस्ट टू कम इन एंड जस्ट स्टे और सिट देयर आइडली इन फर्स्ट प्लेस. What does the community mean? And what is the role of the community when a company wants to build it? क्या role होता है community का? Okay? So community का role ये होता है कि उस company के साथ में hand in hand you have to be there as a part of that company. ये होती है उसकी community. Okay? So यहाँ पे अब कंपनी क्या चाहती है, राइट फ्रॉम डे वन क्या चाहती है कि उसके जो लोग हैं वो जो दे रही है अपने लोगों को क्या दे रही है, एजुकेशन. ओके, दे वांटेड टू एजुकेट पीपल इन फर्स्ट प्लेस कि ये सारे लोग जो हैं अच्छी एजुकेशन रिसीव करें बिकॉज ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत नई है सब लोगों के लिए. और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके फ्यूचर को 3x या 4x तक ही नहीं बल्कि मल्टीपल एक्सेस तक पाने की आपको क्षमता तक ले जाएगा. राइट, सो दिस इज देयर फर्स्ट मोटिव. ओके, एंड टू एनहांस दैट मोटिव या आपको और प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया है उन्होंने, दे आर गिविंग यू मल्टीपल रिवॉर्ड्स. दे फर्स्ट स्टार्टेड विद 3x. Now they are going into 4x and leaders के लिए उन्होंने एक के बाद एक, वो एक ही चीज के ऊपर आप एक ही बिजनेस करते हो और उसके ऊपर बार बार वो आपको रिवॉर्ड करते हैं एक ही चीज के ऊपर. एवरी मंथ नो वन इज आस्किंग यू टू डू दैट सेम काइंड ऑफ बिजनेस अगेन एंड स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. नो, नॉट एट ऑल. दिस इज द फर्स्ट टाइम वी सीन कि आपने जो किया हुआ है वो भी आपका काउंट हो रहा है और जो आप कर रहे हो वो भी आपका काउंट हो रहा है. ऑलराइट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको कम्युनिटी चाहिए वो लोगों की जो बहुत सीरियसली आके यहाँ पे दे विल बी पार्टिसिपेटिंग, दे विल बी लर्निंग. इफ इट वॉज मनी मैटर सभी लोगों के लिए, इफ इट वॉज ओनली मनी मैटर तो वो आपको अट्रैक्ट करते रहते हैं. वो कहते हैं कि ओके, नो वरीज, लेट द इन्वेस्टर्स कम, लेट अदर पीपल कम, लेट बिग मनी कम इन. नो, बट दे आर नॉट डूइंग दैट. दे आर हियर, यहाँ पे वो ज्यादा से ज्यादा लीडर्स को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप कम्युनिटी बिल्ड कीजिए, आप लोगों को सिखाइए, आप उनको ज्यादा टीच कीजिए बिकॉज ब्लॉकचेन इज द नेक्स्ट द चेंज इन द एंटायर वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी. और इसी से सबसे बड़ा काम जो है वो होने वाला है. राइट, सो दिस इज द फर्स्ट मोटिव ऑफ द कंपनी दैट इज टीचिंग अबाउट द टेक्नोलॉजी वेयर दे आर. और यही से, क्योंकि अगर हम सीखेंगे तो हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे और यही चीज वो चाहते हैं कि अगर आप सीखोगे तो ही आप पार्टिसिपेट कर पाओगे. सिंह साहब, प्लीज कीप योर सेल्फ म्यूट, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे. So you have to participate, okay? So this is what the company wants. अब जो लोग इसको मेहनत कर रहे हैं, इसमें भी उन्होंने दो तरह से जो है इसको segregate किया हुआ है, okay? So how is it now? Now the company has got, you know, बहुत सारी चीजें. जब community आई तो बहुत सारे लोग आए. Many people they came in just by looking at the benefits. बहुत सारे लोग जो है हमारी तरह आए जिन्होंने कम्युनिटी बिल्ड की, जो आज भी बहुत पेन ले रहे हैं कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए. हमारे इतने सारे लीडर्स हैं जो इतना पेन ले रहे हैं कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए. दे आर टीचिंग, दे आर गिविंग देयर टाइम और वो अपना एफर्ट्स दे रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं. और एक सेकेंड हैंड पे, एक सेकेंड दूसरी तरफ में हमारे पास में ऐसे लोग हैं दोज़ आर नॉट डूइंग एनीथिंग. They are not learning. Okay, they are just sitting idle.
they are not interested in building any kind of community. Plus, the biggest thing, they are not even participating. So, unka kya hai? Koi bhi cheez mein unka role kya hai? Zero. There is no role. Kyunki learning nahi hai, participation nahi hai, kuch nahi hai. Sirf kya hai? Enjoying rewards. This is the only role the second phase is playing. Right? So, yahan pe company ne jab ye realize kiya hua hai, so what the company wants to do now, they want to do justification. Now, what is a justification? The justification is, if someone is taking a pension, hai na, jo log kuch bhi nahi kar rahe hai, ya agar participate bhi nahi kar rahe hai, ya education bhi receive nahi kar rahe hai, kuch bhi receive nahi kar rahe hai, to unko kya hum bolenge? Pension takers. Right? What the company says, they are pension takers. Unko shayad apni job se pension nahi mili hogi, but yahan se unko mil rahi hai. Right? And every day, kisi ko to mahine mein milti hai, but yahan pe har roz unko mil rahi hai pension. Aur har roz wo log enjoy kar rahe hai. To yahan pe company ye kehti hai, ki aise log jo kuch bhi nahi kar rahe hai aur wo pension le rahe hai, aur dusri taraf humare leaders hai, aise leaders, jo apna dil, dimag, apni jaan laga ke sari cheeze kar rahe hai, और इतना पेन ले रहे हैं तो व्हाट शुड बी द डिफरेंस बिटवीन द बोथ ओके यर द कंपनी इज नॉट सेइंग नॉट टेलिंग द इन्वेस्टर्स दैट नो वी डोंट वांट यू दे आर नॉट सेइंग दैट ओके यू आर हियर यू विल डेफिनेटली रियलाइज वन फाइन डे कि मुझे यहाँ पे क्यों एजुकेशन रिसीव करनी है और किस तरह से हम अपनी ग्रोथ ले सकते हैं तो आपके लिए स्टिल एक मौका है यहाँ पे रह के आप फिर भी कभी ना कभी इस चीज को रियलाइज करोगे कि आपको ये चीज करनी है बट एट द सेम टाइम वो अपने लीडर्स को जो है वो इसका बेनिफिट अपने लीडर्स को ज्यादा देना चाहते हैं सो इसलिए दिस 4X इज अ टोटल बिग बेनिफिट टू आर लीडर्स नाउ इन व्हाट वेज कैसे किस तरह से ये बेनिफिट्स हमारे लिए होने वाले हैं किस तरह से ये बेनिफिट्स हमारे लीडर्स के लिए होने वाले हैं किस तरह से बेनिफिट ये हर वो लीडर जो ये कम्युनिटी को आगे आके ज्वाइन करेगा या कम्युनिटी को जो फॉर्म करने के लिए वो मेहनत करेगा उसको किस तरह से यहाँ पे बेनिफिट्स होने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम 3X वी हैव जंप्ड इनटू 4X ऑलराइट सो यहाँ पे आपको जो पेंडिंग रिवॉर्ड्स आपको चाहिए होता है एवरी सिंगल डे टू रिसीव योर रिवॉर्ड्स वो जब आप पहले रीबाय करते थे ओके उसको बढ़ाने के लिए तो वो सिर्फ 3X मिलता था आपको ऑलराइट बट अभी जब आप उसको करोगे 4X अपने आप को अपग्रेड करने के बाद में तो वो 4 times आपको मिलने वाला है ठीक है सो द नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर यू टू रीबाय योर रिवॉर्ड्स इज गोइंग टू बी मोर जो पहले कम होता था मैं लीडर्स की बात कर रही हूँ सबसे पहले ओके सो आपके लिए अभी रीबाय के जो दिन हैं वो आपके लिए क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे सो अगर हम यहाँ पे बोले तो हमें वन टाइम हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है यहाँ पे वी आर गेटिंग अ वन टाइम एक्स्ट्रा बेनिफिट ओवर ईयर एंड आर यू गेटिंग इट हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज डिपेंड्स अपॉन योर हार्डवर्क डिपेंड्स अपॉन what you are doing depends upon aap kitni apni team mein growth kar rahe ho right wo 4 times aap 4 din mein bhi aapka utilize ho raha hai wo 4 times jo ek extra time aapko uske upar mil raha hai wo aapka 10 din mein bhi utilize ho raha hai ya 15 din mein bhi utilize ho raha hai okay so here it depends upon you so your leaders are very lucky कि 3 times की जगह में उनको 4 times मिल रहा है और अगर कोई लीडर्स बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं जो एक एक हफ्ते में जो अपना पेंडिंग रिवॉर्ड्स है उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं सो आई विल टेल यू एवरी वीक यू आर गेटिंग 1 extra bonus एवरी वीक यहां पे वी वर वेटिंग फॉर अ ग्लोबल बोनस इन अ मंथ्स टाइम बट नाउ विद द कंपनी स्ट्रेटजी You are eligible to take it whenever you want. Take it every day.
take it every fourth day, you know, take it every week, take it every 15 days or take it every month. It's on you. आप कितना जल्दी उसको लेना चाहते हो, कैसे यूटिलाइज करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है. ओके, दूसरी चीज ये है कि लीडर्स के लिए जो है आपको नंबर ऑफ डेज हम बात करते थे. यू नो, वंस यू हैव शोन द प्लान, आपने प्लान शो कर दिया है एंड देन यू साइन अ प्रोस्पेक्ट और 600 डेज के लिए एवरी सिंगल डे यू आर गोइंग टू बी अर्निंग रिवॉर्ड्स. राइट, दोस 600 नंबर ऑफ डेज अब बढ़ के 1333 दिन आपके बन जाते हैं. सो नाउ यर यू डोंट हैव टू थिंक कि मेरी ये जो इनकम है, जितने भी प्रोस्पेक्ट्स आपने साइन किए हैं, ये अगले कितने दिन के लिए है. यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट बिकॉज नाउ इट इज ऑलरेडी इंक्रीज्ड विद दैट. So the second advantage to the leaders, what the leaders are getting is number of days. Okay? और आपके जो लोग हैं उतने ही दिन वो अगर रीबाय भी करते हैं तो the number of days over there is totally increased with that. First it was 600 days, 600 days में खत्म हो जाता है. उसके बाद उनका अगर उन्होंने रीबाय किया है तो वही चलता रहता है. बट यहाँ पे अभी आपको 1333 डेज आर देयर दैट दे आर रिसीविंग रिवॉर्ड्स एंड दे कैन कीप रीबाइंग एज एंड व्हेन दे वांट अकॉर्डिंग टू व्हाट ऑफर्स दे हैव. राइट, फिर जो 20% आपको मिलता है, जो 20% ऑन लेवल वन आपने अगर किसी प्रोस्पेक्ट को साइन अप किया है, सो 20% ऑन लेवल वन व्हाट यू गेट, व्हाट वी वर सीइंग, हम जो 1000 के यू नो 1000 के ऊपर हम लोग देखते थे कि ये मेंबरशिप अगर है तो उसके ऊपर आप कितना देखते थे, यू वुड सी इट अराउंड 600. बट नाउ इफ यू सी इट इज मोर, नाउ इट इज मोर. ओके, because the number of days it has been increased, so leaders are seeing the increase even in that 20%. This you need to see, right? So all the calculations will come later, but today it is there just for you to know what exactly is happening aur kya sari cheeze jo hain wo sabhi logo ko yahan pe kis tarah se company jo hai wo accelerate kar rahi hai leaders ke rewards aur you know how they are focusing more on leaders. और कैसे हमको अभी जो है आगे काम करने की जरूरत है, ये सारी चीजों के लिए आज ये पूरी मीटिंग यहाँ पर है. ओके, सो दिस इज फोरेक्स. ऑलरेडी मैंने इसके बारे में आपको बताया है, इसके बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं. जो भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग मुझे लेटर पूछ सकते हो, आई वुड बी इन अ पोजिशन टू आंसर यू. ठीक है, सो कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, टीचिंग कम्युनिटी, पार्टिसिपेशन इन इन ऑल दी यू नो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. Benefits is for 1333 days, okay, 0.3%. और सभी को अपग्रेड इसको करना है. और जितने सारे लोग हैं, योर ग्लोबल रिवॉर्ड्स ऑल्सो लीडर्स, जितने भी सारे लीडर्स हैं, दैट आई वॉन्ट टू ब्रिंग इट टू योर नोटिस दैट वी आई पी 2-star एंड अबव. सो जितना 4x का अब जो बिजनेस जो है उसके ऊपर यू आर गोइंग टू बी रिसीविंग योर ग्लोबल रिवॉर्ड्स. ओके, सो आपकी टीम में जितना भी 4x के जितने सारे लोग हैं, व्हाटएवर इज हैपनिंग ओवर देयर, जितने अपग्रेड्स हो रहे हैं, सो अप्रैल मंथ का जो वॉल्यूम्स है दैट विल बी काउंटेड ओनली ऑन 4x. राइट, सो एम आई वेरी वेरी क्लियर लीडर्स? ओके, सो एवरीवन इज हियरिंग मी एंड एवरीवन इज वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस. Because not to forget the points, I've just written it down. Okay. अब रीबाय बहुत सारे लोग जो हैं, अगर आप आगे जाके रीबाय या कोई भी नई मेंबरशिप भी लोगे 4x में, तो दीज आर द सिंपल क्वेश्चंस, बट फिर भी लोगों के मन में आता है कि अगर हम इसके बाद में कोई 4x की मेंबरशिप्स आज से लगा रहे हैं या कोई नए लोग आ रहे हैं तो हम किस तरह से उसको कर सकते हैं, क्या हमको पूरा जो 4x में पैकेजेस हैं, सी 4x में कोई भी पैकेज जो है, जैसे हम 3x में हमारे पास 300, 500 एंड 1000 था,
ऐसे ही 400 के अंदर भी आपको पैकेजेस है, लाइक 400 का है, 800 का है, 1200 का है एंड 3600 का है. तो जो भी पैकेज आपको अच्छा लगता है या जो भी प्रेफरेंस है आपकी, उस हिसाब से आप पैकेज यूज उसको आप प्रेफर कर सकते हो. और जिनको भी ये पैकेजेस लगाने हैं, जैसे आप पहले 50% ऑफसेट यूज कर रहे थे, ओके, सो सेम वे लीडर्स कैन 50% ऑफसेट आप यूज कर सकते हो एंड 50% न्यू यूएसडीटी से आप एक नई आए जो लोग हैं या आपके कोई नए पार्टिसिपेशंस हैं, नए मेंबर्स हैं, दिस इज द वे यू कैन प्लग देम. सो एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम, दैट्स इट, ओके. सो बाकी कोई भी किसी भी तरह का, और 125 दिस वुड बी योर रीबाय, ओके, 125. सो दिस वुड बी योर रीबाय इनटू दैट. सो रीबाय आल्सो हैज बीन इंक्रीज्ड. सो ये सभी लोगों को देखने की जरूरत है. These are the minor changes that is there. So, बाकी कुछ सारी चीजें जो है, अगर आप बोलो कि withdrawal में कुछ तब्दीलियां आई हैं या changes आए हैं, not at all, किसी भी तरह से नहीं. तो जैसे आप withdrawal कर रहे थे, same उसी तरह से आपके withdrawals हैं. Deposit address क्या आपके change हुए हैं? बिल्कुल भी नहीं. Deposit address सारे आपके same हैं, but 50% से जैसे आप यूएसडीटी लाके आप आईडीज लगाते थे, 50% आप अपना ऑफसेट यूज करते थे, आज भी आप वैसे ही आप उसको कर सकते हैं. बट अगर आपको कुछ मेंबरशिप प्रेफर करनी है, तो फर्क आज सिर्फ इतना है कि आपको 4x में से किसी ना किसी मेंबरशिप को आपको चूज करना है, ओके. सो ऑल द लीडर्स, you would have to, whenever you are showing a plan या किसी को भी आप prospect को अगर आप बता रहे हो, तो now it has to be purely 4x for all the leaders. So ये मेरी request है आप सभी लोगों से. और आपके screen के ऊपर, okay, so ये एक छोटा सा हम ले लेते हैं कि किस तरह से आपको इसको जो है upgrade आपको करना है. तो आपकी screen के ऊपर जो है आपको ये दिख जाता है या एक page पॉपअप हो जाता है सभी लोगों के लिए कि, और जो पेज ये रीड करता है दैट वेदर यू वांट टू अपग्रेड योर मेंबरशिप. जस्ट अ मिनट, ओके. सो सभी के इसमें पेज पॉपअप हो जाता है अपग्रेड टू मेंबरशिप 2.0, ओके. और इसमें कुछ दिनों की मोहलत दी हुई है, ओके. यू कैन सी अ काउंटडाउन वहां पे जिसमें लिखा हुआ है 11 दिन एंड समथिंग समथिंग ऑल द टाइमिंग्स. ऑलराइट, ये क्यों ऐसे क्यों दिया हुआ है? व्हाट इज द रीजन टू गिव दिस? नाउ ऑल दोज हु, जो लोग अपनी एग्जिस्टिंग आईडी, बिकॉज कंपनी को ये सारी चीजें, सी आई ऑलवेज सेड, वो हमेशा लोगों का कन्वीनियंस देखते हैं. The company is always seeing the convenience. अभी उनको ये पता है कि they cannot ask everyone to please upgrade themselves with new, you know, कि आप नई आईडी डालो या नए तरीके से अपने आप को अपग्रेड करो. तो आप सभी लोगों को उन्होंने टाइम दिया हुआ है कि ये 11 दिन के अंदर आप अपनी एग्जिस्टिंग जो आईडी है 3x को आप 4x में अपग्रेड आप कर सकते हो, ओके. सो नो नीड फॉर यू कि अलग से आपको कुछ और यूएसडीटी लाना है, कुछ और ऑफसेट 50% आपको लाना है और उस तरीके से आपको अपग्रेड करनी है. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आप जो अपनी एग्जिस्टिंग आईडी है, अगर उसको आप वहां पे क्लिक करते हो कि यस कंफर्म आई वांट टू अपग्रेड, और आप जैसे ही उसको क्लिक करोगे तो ये आपका अपग्रेडिंग में चला जाएगा. और अपग्रेडिंग में जाने के बाद, क्योंकि मैंने आज किया है, क्योंकि जब तक मैं कोई चीज नहीं आती है, टिल आई डोंट डू इट, आई डोंट टेक एनी ऑफ द मीटिंग्स, बिकॉज मेरे पास कुछ प्रैक्टिकली बात करने के लिए होना चाहिए. और जब उस आईडी को 4x में, यस मैंने उसको किया कि यस आई वांट टू अपग्रेड दिस, तो उसको कुछ टाइम लगा. और फिर उसके बाद में जब मैंने उसके अंदर जाके उसको, सेम यूजर भी सेम रहेगा आपको, आपका यूजर डालना है, पासवर्ड में कोई चेंजेस नहीं है, जो आपका रेगुलर पासवर्ड है आपको वही डालना है. और जब आप मेंबरशिप में क्लिक करोगे अपग्रेड करने के बाद, वो अपने आप अपग्रेड होगा. आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपको बताएगा कि यस इट इज अपग्रेडिंग. और बाद में जब आप उसको ओपन करोगे, वो अपग्रेड हो जाएगा उसके बाद में. तो मेंबरशिप के अंदर आपको जाना है जहां पे हम रीबाय करते थे, और वहां पे आप देखोगे कि 1.0 जो पिछली ओल्ड मेंबरशिप दिखाई जाती थी, वो पेज वहां से पूरी तरह से निकल गया है और आपको सिर्फ एक सिंगल पेज वहां पे डिस्प्ले हो रहा है, विच इज 4x.
okay? So this is the only difference which is there. There is no other difference, but it will make a lot of difference every now and then to the leaders. So leaders, now you need to put in more work because the company is rewarding you like crazy. So mujhe aisa lagta hai ki we need to really build our community much, much faster. Aur bahut sara participation, because abhi jo cheeze aane wali hain Hyperverse ke white paper ke hisab se, bahut sari cheeze jo hain, bahut sari tabdiliyan aane wali hain. Aur technology ke hisab se bahut sari cheeze aane wali hain, which is very exciting. And we all need to participate in this. So meri sabhi logo se ye request hai ki jitna ho sake apne aap ko aap educate kijiye aur be into this, aur zyada se zyada apni puri community ko time to time aap log educate kijiye aur unko aap protsahit kijiye ki wo time to time jo hai company ka jo motive hai कि जितने उनके प्रोजेक्ट्स आते हैं उसमें सारी उनकी कम्युनिटी रहे, उसको पार्टिसिपेट करे. तो ये जो एक उनका मोटिव है, वी नीड टू फुलफिल दिस व्हेन वी आर गेटिंग रिवॉर्डेड सो स्मार्टली. एंड आई थिंक दीज आर द बेस्ट रिवॉर्ड्स व्हाट वी आर रिसीविंग, राइट? सो इनका जो व्हाइट पेपर, अगर जिन्होंने नहीं देखा हुआ है, सो व्हाइट पेपर जो है इनका पूरा रोड मैप बताता है टिल 2025 गाइज, ओके? सो 2025 तक का इनका रोड मैप है. सो पूरा एकदम आप ध्यान से और पूरा मन लगा के आप लोग काम कर सकते हो. सो नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, ओके? सो टाइम टू टाइम चेंजेस जो है ये तो होते रहेंगे और ये पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छे हैं. और क्योंकि वो भी कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, तो अगर हम उनके साथ में, यू नो, इफ वी डोंट सपोर्ट द कंपनी देन हु इज गोइंग टू डू दैट. और ये हमने देखा हुआ है कि टाइम टू टाइम थोड़ा टाइम लगता है सारी चीजों के लिए, बट everything is on right track at the end, right? So leaders, do you have any questions? So please, aap apne aap ko unmute kar sakte hain. Or if there is any question from, agar aapko aisa lagta hai ki yes, community se ye, aapke community se ye questions aa sakte hain, ya aisa koi sawal aapke man mein hai, to please you can ask. Yes, Rajendra Pawar ji. Madam, forex mein hum jab convert karenge, uske baad VIP reward kaisa mil? VIP रिवॉर्ड, सॉरी अब दोबारा से पूछेंगे मुझे प्लीज. VIP रिवॉर्ड जो मिलने वाला है हमें, हाँ जी, वो कैसे मिले? सेम वे हाउ यू आर गेटिंग इट, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है? और अभी जो उन्होंने जो टाइम पीरियड सबके लिए दिया हुआ है, पीपीटी मैम जो आई थी उसमें उन्होंने बोला है कि 1 month में मिलेगा, not daily. कौन सी PPT के अंदर आपने उसको देखा था VIP rewards के लिए? पर community में एक PPT circulate हो गई है sir. I have not seen that. To be very frank, मैंने वो देखा हुआ नहीं है, but I will see that. और ये आपका जो questions है, I will definitely get back to you on this. मैंने देखा इसलिए आपको. Okay. I have not seen that, but I will definitely get back to you on this. Okay. Yeah. Any other thing? वैसे इसके बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा. हाँ जी, हाँ जी. ये जो मेरे दोस्त ने क्वेश्चन किया है रिवॉर्ड्स के बारे में, वो एज इट इज ही रहेंगे जैसे मैडम ने आपको बोला है. अगर आपको नहीं है यकीन या इसके बारे में नहीं पता है कुछ, तो आप अपने बैक ऑफिस में जब जाते हैं, जब आप अपने बैक ऑफिस में जाके हैं, जो आप अपना तोड़ देखते हैं भी हर बंदे से कितना आपको रिवॉर्ड आ रहा है, वहां पे आप जाके देखेंगे आपको वही परसेंटेज से मिलेगी जो मैडम ने आपको बोला है कि इस परसेंटेज से आपको मिल रहे हैं. मतलब एज इट कंटिन्यू रहेगा, वह ऐसे एज इट ही कंटिन्यू है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी जब से 4x है मैं तब से इसमें कन्वर्टेड हूँ और सभी रिवॉर्ड्स मैं उसी के अकॉर्डिंग ही ले रहा हूँ, तो ये वैसे ही मिल रहे हैं, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है. आपको एक चीज को समझना होगा कि यहाँ पे केवल जो हमारा 3x था वो कन्वर्टेड होके 4x हुआ है, लेकिन जो नीचे रिवॉर्डेड है वो एज इट ही है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है. तो मैं यही केवल आपको बताना चाह रहा था, ठीक है मैडम? हाँ जी, थैंक यू सिंह साहब. और दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगी कि जितने सारे बड़े लीडर्स हैं, जैसे 4x आया था तो मैंने भी, आई हैड यू नो द सेम डे आई हैड टेकन दैट 4x, ओके? सो आई टू गॉट कन्वर्टेड इनटू 4x राइट ऑन डे 1 when this thing came. So हमें कुछ भी VIP rewards में फर्क हमें नहीं पड़ा है.
सो दिस इज बीन अ लॉन्ग टाइम नाउ. तो जब आया था स्टार्ट में तभी हमने अपग्रेड किया था. सो आई डोंट थिंक सो देयर हैज बीन एनी चेंजेस इनटू दैट. मे बी मैम बिल्कुल हम भी हो सकता है, बहुत सारी चीज फेक भी आ सकती है. नहीं ऐसे इसमें कोई तो चेंजेस नहीं है अभी तक, क्योंकि जो पीपीटी मिली है शायद फेक भी हो सकती है जैसे लास्ट. हाँ, हो सकती है क्योंकि कंपनी का जो एक फॉर्मेट है इसके लिए जो आया है फोरेक्स के लिए, वो ये चीजें कहीं पे भी कोई ऐसे चेंजेस मेंशन नहीं करता है. ओके सो जो सारी चीजें मेंशन की हैं वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं, ताकि लीडर्स जो हैं वो अपनी टीम में इसको डुप्लीकेट करेंगे और बहुत क्लैरिटी से इन चीजों को बताएंगे. बट देन वट एवर इज देयर आई हैव नॉट रेड दिस थिंग जो आपने मेंशन की है, ये मैंने उसके अंदर कहीं पे भी उन्होंने इसको मेंशन ऐसे इस तरीके से नहीं किया. थैंक यू, वेलकम मैडम. टू कंटिन्यू विद सिंह साहब आंसर, अमित हियर. जनरली लोगों को थोड़ा सा वही क्वेरीज या क्वेश्चन है कि मतलब जैसे पहले 3x वाले पैकेज में हमें जो रिवॉर्ड्स आ रहे थे, राइट नाउ आई एम आल्सो गेटिंग द सेम रिवॉर्ड्स जैसे हमें पहले आ रहे थे, दो वी हैव कन्वर्टेड इनटू 4x. बट देन कैसे अभी जो नोटिफिकेशन वगैरह आया है उसमें बताया कि आपके प्रीवियस पैकेजेस भी उसको 4x में करने पड़ेंगे वगैरह. तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि मतलब हमारे अगर रिवॉर्ड्स इनकेस इफ यू आर गेटिंग इट एट द रेट ऑफ 4x, so वहाँ पे कैसे है कि percentage जो है मतलब instead of 0.5 we are getting 0.3, right? जो 4x में, right? Though it is a number of days increase हो गया, 1300 हो गया, but the interest if you will calculate the it's a 0.3 actually. So accordingly in future I'm just asking like अभी तक तो हुआ नहीं है, but will there be any difference मतलब जो changes होगा जो अभी जो rewards आ रहे हैं उसमें कुछ 0.3 के calculation, क्योंकि हमें जो rewards मिले वो 0.5 के हिसाब से calculate हो रहा है. Whatever the people are getting, we are getting accordingly a 20% of their rewards. So correct. Now if the completely it's going to change to 0.3, so if you'll actually calculate 0.3 matlab 15% jo hum log generally matlab monthly on an average calculation aata hai, that becomes 9%. So it's a difference of 6%. So if you'll calculate, it's a difference of 40%. So are these rewards what we are getting now are going to be reduced or it's going to be same as it is? Abhi to mujhe same hi aa raha hai, there is no changes, but in future little bit people are confused ki kaise rahega. This I'll answer, because when everyone is going to come to 4x, okay, so everyone is going to get 0.3, so the rewards what we are receiving from our own community is going to be according to 0.3. correct. So this we all need to know कि पूरी जब कम्युनिटी का हो जाएगा या सभी लोग उसको 4x में करते हैं, so we are going to be receiving it by 0.3%. अब देखेंगे वहाँ पे क्या टाइम चल रहा है, countdown का टाइम चल रहा है वहाँ पे, ठीक है ना? तो वो एक टाइम दिया गया है कि between this time you have to convert your 3x into 4x. So after that, according to my thinking, I'm not saying I'm not a company, ठीक है? मैं लेकिन according to my thinking मैं आपको बोल रहा हूँ, जब वो टाइम खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से वो तब तक 4x जो है वो टोटली लागू हो जाएगा. लेकिन एक चीज देखिए, अगर आपको यहाँ पे 0.5 की जगह पे 0.3 मिल रहा है, तो आपकी अमाउंट का भी जो आप कर रहे हैं उसका भी 4x मिल रहा है ना, वो जो 3x था 4x मिल रहा है, एक ना एक तरह से हमें मतलब बढ़ोतरी ही मिल रही है. तो वो भी एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है. जब आप फील्ड में जाएंगे तो इस चीज को लेके चलेंगे तो मेरे ख्याल से काफी बेनिफिशियल है, ठीक है ना? अगर कंपनी हमें दे रही है, बिल्कुल आप देखिए एक जेन्युइन प्रोजेक्ट है, पिछले 2 साल से हम लगातार इसमें कर रहे हैं काम, और कंपनी 2014 से चल रही है 2014 से, और एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है. तो एक चीज है, जब किसी भी सिस्टम का कम्युनिटी बहुत बड़ा बिल्ड हो जाता है, yes. तो ऑब्वियसली उसमें कुछ चेंजेस होते ही होते हैं, ठीक है? अभी कम्युनिटी बहुत बड़ी है और बहुत अच्छा भी दे रही है, तो हमें तो बड़ी मतलब खुशी है कि एक ऐसे कंपनी के साथ हम जुड़े हुए हैं. और देखिए हर चीज वो जो भी कर रही है ना सिस्टम, वो आपको पहले बता रही है कुछ भी आपसे धोखाधड़ी नहीं हो रही है, बिल्कुल जो भी कर रहे हैं बता के कर रहे हैं. तो यही चीज हम जब हम सच के साथ चल रहे हैं, हमें फील्ड में भी सच बताना और आगे बढ़ना है, ठीक है दोस्तों? करेक्ट करेक्ट. थैंक यू सिंह साहब. क्वेश्चन वाज अगेन द सेम लाइक मतलब यही कि मतलब आफ्टर 10 और 11 डेज व्हेन द टाइमर विल गो ऑफ most of the people will convert it to the 4x and all.
तो उस टाइम पे सपोज इफ एनीबडी इज गेटिंग एनीथिंग, मतलब जैसे अगर 100 एचयू किसी को आ रहा है, सो इज इट गोइंग टू बी रिड्यूस्ड बाय 4 टाइम्स? यस ऑफ कोर्स, बिकॉज सी उनकी जो कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी से उनको आ रहा है, अगर वो कम्युनिटी के सारे लोगों को 0.3% से रिवॉर्ड आ रहे हैं, तो बट नेचुरल है कि अगर लीडर को ऊपर रिवॉर्ड आ रहा है तो वो 0.3% के हिसाब से आएगा. करेक्ट. Okay, okay. So there will be a changes. There will be a might be a reduction. Yes, might be a reduction. Nahi. See, I'll just tell you. Leaders have to see on two sides. Okay. पहली जो है हमें दो तरह से चीजों को देखना है. पहली तरह से ये देखना है कि 0.3% से पूरी कम्युनिटी के रिवॉर्ड जो है वो आपको मिलेंगे, जो आज 0.5% के हिसाब से आपको मिल रहे हैं. Correct. Second thing, what you need to see over here is that. That in your own pending rewards that you are rebuying, you are getting one time extra. Extra, correct. Correct. So, yahan pe aapke liye there has not been any difference. Instead, I would say that we are more beneficial than we were earlier. You know why? I'll tell you that. Main aapko ek cheez batati hu. Now, yahan pe what they are indirectly trying to tell you is that you need to be more active. You need to increase the rebuying of your pending rewards. Correct. Because the more number of community that you build, okay, the less number of days will take for you to, jo hum aise bol sakte hai, to consume your pending rewards. Okay? Correct. Example deti hu main aapko. Supposing aapko you are getting 10,000 HUs every single day. Mm-hmm. एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हूँ. Correct. 3x में आपको वो, अगर आप उसको रीबाय करते या अगले 3 दिन के लिए आपको पेंडिंग रिवॉर्ड रखना पड़ता, तो आपको 3x में 30,000 मिलते. Correct. अभी आज आपको मिल रहा है 40,000. Right. पहले आप 3 दिन में रीबाय करना पड़ता, 3 दिन में, 3 दिन में खत्म हो जाते और आपको रीबाय करना पड़ता. बट अभी True. ये जो चौथा दिन आपको मिल रहा है, ये आपको फ्री का मिल रहा है. Exactly. Okay. So here what the company wants to tell you is that you as a leader, you have to strengthen your community. You have to gear up yourself. And you need to decide how bigger a reward you need and how faster you can consume your pending rewards. बिकॉज यहाँ जो जितना जल्दी पेंडिंग रिवॉर्ड्स को कंज्यूम करेगा, उतना बड़ा फायदा है उसको. एंड यू जस्ट सी फोर्थ डे यू आर गेटिंग, फोर्थ डे जो है आपको फ्री मिल रहा है. महीने में कितने कितने फोर्थ डे आपको फ्री हो गए? टेल मी दैट फर्स्ट. ट्रू ट्रू. सी वी आर नॉट काउंटिंग, वी आर नॉट, हम उस माउंटेन को लेके नहीं चल रहे हैं जो इतना बड़ा हमारे लिए बन रहा है. हम इतनी सी चीज को पकड़ के हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं. एनी अंडरस्टूड, आई एम जस्ट क्लेरिफाइंग बिकॉज़ देयर आर 3000 ऑड पीपल आर देयर ऑन दिस Zoom. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट दिस इज अ क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द पीपल आर गेटिंग. आई एम गेटिंग टू काउंट द बिगर पिक्चर ऑफ दिस. एग्जैक्टली आई एग्री विद यू एंड आई एम ऑन फॉर this, but this is something that the people wanted to know, so that's why I asked this question on their behalf. मतलब आप इस चीज को लेके चलिए मेरे दोस्त के, मतलब जब ये countdown खत्म हो जाएगा तो उसके बाद लगभग 4x ही होगा, 3x खत्म हो जाएगा. इसको मन के लेके चलिए. आपने जो भी promote करना है, जितने भी leaders हैं इस meeting में, मैं आप सबको एक ही चीज बोलूंगा कि आपको केवल 4x ही promote करना. Yes. अगर आप इस चीज को पहले ही चीज को लेके चलेंगे तो everything आपका जो road है बिल्कुल smooth हो जाएगा. तो आप बहुत इजीली ड्राइव करेंगे हर जगह. True. देखिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं. One more last question, like sorry सिंह साहब आपको डिस्टर्ब करने के लिए. सपोज इफ somebody just you know a kind of a investor who has already invested certain x amount and since we have already informed him about the 3x plan and 0.5 and everything, so for him what will be the changes? Like his existing package will also change, right? Because it has been mentioned, I have read somewhere that existing will also convert to 4x. Unki pension ke din badh jayenge. Achha, din badh jayenge. Okay, great. Chalo, no problem. So instead of 600, it will be 1300. So we'll have to explain them.
instead of this 600 they will be getting it in 1300 but 4x right unko boliye company aapko zyada zyada dino ke liye pension dena chahti hai जितने भी लीडर्स है ना एट प्रेजेंट जितने भी लीडर बैठे ना सभी इस चीज को मतलब अपनी तैयारी कर ले के बस 4x ही है 3x को भूल जाएंगे yes, आप देखिए नथिंग रॉन्ग एवरीथिंग इज फाइन सर ध्यान देने वाली है कि जिन लोगों ने अभी 3-4 दिन पहले ही ज्वाइन किया है यस ठीक है अब अगर उन्होंने सपोज एक 0.5 के हिसाब से या 3x के हिसाब से जो भी अमाउंट से ज्वाइन किया है बट उनको अपग्रेड करना पड़ेगा फ्रेश न्यू मेंबरशिप से उसमें डिफरेंस नहीं ले रहे यस सी दिस यू नो बिकॉज़ उनको तो कुछ आया भी नहीं है अभी 2-3 दिन में कुछ खास आया भी नहीं है करेक्ट उनके लिए तो डबल मार पड़ रही है फॉर दोस पीपल ओनली यस दोस पीपल हु हैव जस्ट चार्टेड आउट जस्ट लाइक एन इन्वेस्टर वो उनको डबल मार पड़नी है उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो गई क्योंकि उनको जो वो 4x बाय करेंगे उसी पे ही मिलेगा जो उनका जो पुराना था वो खत्म ये मान के चलो हां सो दैट एग्जिस्टिंग मेंबरशिप वुड बी कन्वर्टेड ऑटोमेटिकली इट विल नॉट कन्वर्ट इट विल बी अ फ्रेश मेंबरशिप दैट नीड टू अंडरस्टैंड whatever they have taken already will directly by default will get converted to 0.4 right no. Sorry 4x wo convert to ho jayegi lekin wo jab tak wo package buy nahi karega usko rewards aane band ho jayenge you need to understand okay that. So minimum he has to take a 400 or he has to take 1200 yes let's say suppose kisi ne 4 din pehle 300 kar liya ha theek hai 4 din mein usko kya mila hoga abhi theek hai ab usko hum bolte hain ki bhai tere ko upgrade karna hai 400 se फॉर एग्जाम्पल ओके ठीक है तो उसका 300 का तो गया कंपनी में बिकॉज उसका कुछ आ नहीं रहा उसको 400 वो लेगा तभी 400 तभी 4x पे आएगा जो उसने 3 दिन पहले जो 300 से लिया है वो खत्म उसके लिए तो उसका तो सीधा 300 का लॉस है 300 सर वो खत्म नहीं होगा कैसे आप बताओ कन्वर्ट हो जाएगा कन्वर्ट कैसे होगा आपको 300 पे तो कुछ मिलेगा ही नहीं आप तो जो फ्रेश मेंबरशिप बाय करोगे अखिलेश जी वन मिनट यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द कंपनी इज सेइंग एंड हियर दिस इज यू नो अ वेरी हेल्दी काइंड ऑफ अ डिस्कशन ओवर हियर जो न्यूज आ रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो हमारे लोग तो यहाँ पे एक मिनट अखिलेश जी एक मिनट थोड़ा सा आप सुन लीजिए बिकॉज यहाँ पे वी आर नॉट हियर टू डिस्कस व्हाट द मार्केट इज सेइंग वी आर हियर टू डिस्कस व्हाट द कंपनी इज सेइंग नहीं वो पॉइंट आपका मैं एग्री कर रहा हूँ वी आर हियर आपको दो मिनट के लिए सुनना पड़ेगा आपको दो मिनट के लिए हियरिंग मोड पे आना पड़ेगा ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे ठीक है बिकॉज आप हियरिंग मोड पे आना नहीं चाह रहे हैं दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी सो दो मिनट के लिए आपको हियरिंग मोड पे आना पड़ेगा कंपनी व्हेन द कंपनी सेज दैट यू हैव टू अपग्रेड सो देयर द कंपनी इटसेल्फ इज अपग्रेडिंग आर दे नॉट अपग्रेडिंग what we had bought either it is 300 or whether it is 500 or whether it is 1000 are they not upgrading that yes they are doing it so why will they not do it for the person who is just come 2 days back or 3 days back and all that they will of course do it because the company itself is saying that we are upgrading it company ne aisa to nahi bola ki aapka 300 ka hai to hum upgrade nahi karenge aapko 400 pe कंपनी खुद बोल रही है हम अपग्रेड कर रहे हैं आपको दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड नहीं नहीं वी नीड टू क्लियर वन थिंग आई अंडरस्टैंड नो व्हेन इट इज नॉट डन आई विल जस्ट गिव यू वन मैं आपको एक सिंपल सॉल्यूशन देती हूँ अगर ये नहीं होगा आप मुझे बताना ठीक है डन ओके यस ये दिस इज माय रिक्वेस्ट करता हूं जो 300 की मेंबरशिप है जो पेंडिंग आता है ना वो पेंडिंग 4x में कन्वर्ट हो जाएगा आपको कुछ नहीं करना ओके यू नीड नॉट वरी अबाउट इट यस ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा ये पूरा हुआ मैं देखिए मेरे से जो कुछ लोगों ने बात की मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ कि जी इन्होंने अगर हमारे कुछ लोगों ने मार्केट में लोग बहुत कुछ बोलेंगे सर वो बात आपकी सही है सिंह साहब मैं मार्केट की बात नहीं कह रहा मैं अपनी टीम से जो मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ मुझे मार्केट से मतलब नहीं होता ठीक है सर जो लोगों के कंसर्न है मेरी टीम का कंसर्न है मैंने वो यहाँ पे जवाब देने ठीक है क्योंकि आपने कन्वर्ट कर ली है मैं इसीलिए आपसे ये जानना चाह रहा था कि इसका इम्पैक्ट ऐसे कैसे रहेगा कि जिन्होंने अगर रिसेंटली ज्वाइन सिंपल सा इसको समझ लीजिए ठीक है ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है जो भी पेंडिंग अमाउंट होगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू 4x राइट
सर वो कन्वर्ट तो हो जाएगा, लेकिन कन्वर्ट तब होगा जब आप 4x की मेंबरशिप मिनिमम कोई भी आप मिनिमम बाय करोगे। तो जिसने सपोज मेरा कहने का मतलब इट विल हैपन ऑलरेडी, अमरजीत जी ने बताया है आपको, ही इज ऑलरेडी आई थिंक गिवन द आंसर ना, सो दैट इज द आंसर टू दिस कि जो पेंडिंग रिवॉर्ड में है नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है देन विल गेट एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो जो पेंडिंग रिवॉर्ड्स में आपके पास में है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू 4x राइट यस। सो नीड नॉट जितने लोग हैं, अगर आप लोगों में जो लोग सुन रहे हैं हमको और आप लोगों के कोई भी न्यू मेंबर साइन हुआ है, सो प्लीज डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, उनके पेंडिंग में जितना भी जो कुछ भी है दैट विल बी अपग्रेडेड टू 4x ओके। सो नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। और किसी की भी अगर कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अगर किसी की कोई प्रॉब्लम आती है आएगी किसी को भी नहीं, बिकॉज दिस इज द कंपनी वे ऑफ डूइंग इट, कंपनी विल अपग्रेडेड फॉर एवरीवन। बट इन केस अगर कोई एक आधा कुछ केस आता है सो प्लीज लेट अस नो अबाउट दैट, सो फील फ्री टू लेट अस नो राइट। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, किसी को कुछ प्रॉब्लम आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। बट इन केस अगर एक आधा कोई किसी को लगता है या किसी को कुछ डाउट आता है, जैसे अभी अखिलेश जी ने मेंशन किया या उनको ऐसे लगता है, सो इफ यू फील सो यू लेट अस नो राइट, बट ओनली आफ्टर ट्राइंग एंड टेस्टिंग इट, ओनली आफ्टर दैट, नॉट बिफोर दैट प्लीज। ऑलराइट, सो पंकज जी एनीथिंग यू वांट टू से? No, ma'am, it's very clear. Company is evolving so fast that we are not able to catch up. Yes, exactly. This is what we need to know. Company is going so fast, the technology is going so fast, ki jab tak hum ek cheez seekh paate hain, wo log jump karke dusri pe chale jaate hain. You know, right. And by the time we want to learn something else, it jumps on the third thing. So हमारे लिए you know it is ये हम बोलेंगे कि हम लोग ही कहीं ना कहीं पीछे हैं, कंपनी तो बहुत आगे है। As per the market is concerned, as per दुनिया जहां जा रही है उनसे comparing, so everywhere they are you know ahead of time. So this is a very good thing for us. Right. Just we need to align ourselves with the company vision. Yes, well said. We need to align ourselves with the company vision. Yes, very well said. First follow, then understand. वो तो मैं आपका देख ही रही थी, आप शांति से सुन रहे हो, you are just. Thank you. Thank you, Pankaj ji. Thank you so much. Okay, Vipul Misri ji, anything from your end? Yes, ma'am. Good evening. Very good evening. तो बस मैं तो एक ही चीज समझता हूँ कि कंपनी लॉन्ग टर्म इस प्रोजेक्ट को जो चलाना चाहती है उसके लिए अगर कुछ नेसेसरी स्टेप ले रहे तो मैं हमेशा उसके सपोर्ट में हूँ। नाइस, वेरी नाइस। और ये समझ में हाँ बोलिए प्लीज मैम। हाँ जी नहीं बताइए आप। और ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, कि सबको मतलब कंपलसरी 4x में जाना है, ठीक है, एग्जिस्टिंग है तो एग्जिस्टिंग और नया आ रहा है तो नया, मतलब पेंडिंग है वो सारा 4x में कन्वर्ट करना है। करेक्ट, वेरी राइट, थैंक यू सो मच। तो सभी लोगों को ये करना है, यस, थैंक यू सो मच। तो सभी लोगों को ये जो टाइम ड्यूरेशन आ रही है, सो प्लीज ट्राई एंड कन्वर्ट योरसेल्फ एंड अपग्रेड योरसेल्फ टू 4x मेंबरशिप। सो एनीवन एल्स वांट्स टू से एनीथिंग और ऐड अप एनीथिंग? अमित पिंपले जी इज देयर, एंड देन सिंह साहब इज देयर, राजेंद्र पवार जी, अखिलेश जी, और कोई कुछ बोलना चाहता है प्लीज कीप योर वीडियोज ऑन। Anyone wants to say anything? Or either we'll take up some questions, na? Sabhi ke kuch sawal honge yahan pe. So please, agar kisi ke koi sawal hai, so please do write in the chat box, or usko hum log yahan pe discuss kar sakte hain aap logon ke saath mein. So kisi ka koi sawal hai, kisi ko koi doubt hai, so please let us know, hum usko answer kar sakte hain aapke liye. ओके, सी अनम्यूट तो मैं नहीं कर पाऊंगी किसी को भी, डू नॉट रिक्वेस्ट मी टू डू दैट बिकॉज दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। शुड आई रीड द क्वेश्चन इन द चैट? हाँ प्लीज। समवन इज आस्किंग लाइक व्हाट इफ वी डिडंट अपग्रेड। हाँ मिस्टर दत्ता इज आस्किंग व्हाट इफ वी डिड ओके,
इफ यू डिडंट अपग्रेड का इसमें चीज नहीं आएगी क्योंकि आपको इसको अपग्रेड करना ही पड़ेगा बिकॉज दिस इज अगर आप ऐसा बोलना चाहो कि इज इट अ कंपल्शन फॉर अपग्रेडिंग तो आई वुड से यस दिस इज अ कंपल्शन फॉर एवरीवन एंड वी हैव टू अपग्रेड ईच एंड एवरी अकाउंट दैट यू हैव ओके सो यहाँ पे इफ्स एंड बट्स नहीं आएगा अगर हमने नहीं किया तो क्या होगा और अगर हमारे 0.5% से हमें नहीं करना है तो क्या होगा देर इज नो इफ्स एंड बट्स देर इज ओनली येस सो 4x द कंपनी इज आस्किंग यू टू अपग्रेड एंड वी हैव टू गो फॉर अपग्रेडिंग राइट माय गॉड सो मेनी आई डोंट नो हाउ मेनी वी आर गोइंग टू रीड बिकॉज दिस इज फ्लैशिंग लाइक क्रेजी देयर आर सो मेनी क्वेश्चन प्लीज स्टॉप अभी बहुत सारे हो गए इसका जवाब देने दो फिर हम लोग कुछ और इनवाइट कर सकते हैं राइट सो मेंबर्स प्लीज स्टॉप नाउ बिकॉज आप ऐसे करते रहोगे और ऐसे रिफ्लेक्ट होगा तो हम कुछ भी पढ़ नहीं पाएंगे because we've not been able to read what is going on we are flooded with the response chat box mein hum log read nahi kar pa rahe ek read karne se pehle 10 nikal ja rahe aage okay leaders abhi aapko thoda sa stop karna padega taki hum kisi na kisi ke chat box hum read karke aapko kuch answer dein because if you don't stop you won't be able to read वही सेम मैक्सिमम क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने आंसर किए है कि आफ्टर अपग्रेड क्या होगा सो एज यू राइटली सेड कि 0.3 के हिसाब से जो भी रिवॉर्ड्स है वो आने हैं द नंबर ऑफ डेज वुड बी इंक्रीज बट द रिवॉर्ड्स वुड बी एज पर द 0.3 करेक्ट सम पीपल हैव फॉर केवाईसी ऑफ कोर्स किसी किसी के केवाईसी को लेकर आ रहे हैं सो केवाईसी के लिए मैं आप लोगों को ये एक चीज बताऊंगी कि इट इज नॉट A very big thing like ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों के KYCs pending है और नहीं हो रहे हैं ऐसा नहीं है so this is just you can say you know 3% is there or something like that अगर globally हम लोग देखें तो सिर्फ इतना ही है और अभी जो है KYCs is gone very faster और लोगों के account activate हो रहे हैं बहुत जल्दी तो ये अगर आप देखोगे तो सभी लोगों के साथ ये रिस्पांस आ रहा है विच इज जस्ट अमेजिंग एंड डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग अगर किसी के विड्रॉल फेलियर्स भी हैं तो एक स्पेशल फॉर्म आपके लिए आ जा रहा है और हमारी सीईओ ऑफ द कंपनी मिस्टर स्टीवन रीस ही इज ऑलरेडी एड्रेस दीज थिंग्स तो अगर किसी के पास आपके अगर जो लीडर्स हैं उन्होंने आपको ये वीडियोज अगर फॉरवर्ड नहीं किए हैं सो एक चीज मैं आप लोगों को जरूर बोलूंगी कि बी यू नो ओपन योर अकाउंट ऑन ट्विटर ओके सबसे पहले तो आपको किसी को भी डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है अपने लीडर्स के ऊपर कि कंपनी से क्या चीजें आ रही हैं क्या चीजों की अनाउंसमेंट हो रही है और किस तरह से आपको एड्रेस किया जा रहा है क्या इंफॉर्मेशन आपको आने वाली है सो बिल्कुल आपको रिलाय होने की जरूरत नहीं है सो एक ट्विटर अकाउंट अगर आप खोल लेते हैं तो वहां पे आप हाइपरवर्स को फॉलो कर सकते हैं ओके सो यू कैन फॉलो स्टीव रीस ओवर देयर जो हमारे सीईओ हैं और जितने न्यू अपडेट्स होते हैं वो सारी चीजें वेदर इट इज वीडियो वेदर इट इज एनी काइंड ऑफ अनाउंसमेंट तो ये सारी चीजें वहां पर आ जाती हैं आप लोग वहां से ये सारे न्यूज और सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी सो ही इज ऑलरेडी एड्रेस उन्होंने किया हुआ है विड्रॉवल के इश्यूज के ऊपर और जो आपके केवाईसी है उनके ऊपर ऑलरेडी उन्होंने बताया हुआ है और ये क्यों हो रहा है ये भी एक मेजर रीजन उन्होंने बताया हुआ है सो दिस इज नॉट विथ एवरीवन ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों ने मल्टीपल अकाउंट्स जो है वो उन्होंने खोले हुए हैं विच यू योरसेल्फ यू नो दैट और बहुत सारे लोग इस चीज की वजह से इसको फेस कर रहे हैं सो वंस द केवाईसीज आर ओवर और आपने सारे अकाउंट्स के लिए आपने डिफरेंट जो है केवाईसी बिकॉज हर एक अकाउंट के लिए सिर्फ एक केवाईसी जो होता है वो एक लगेगा और दूसरे अकाउंट के लिए दूसरा केवाईसी तो जब आप ये सारी चीजें कंप्लीट कर दोगे तो आई एम 100% श्योर यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी मोर इश्यूज विद यू राइट सो दीज थिंग्स आर नॉट फ्रॉम द कंपनी दिस इज सेल्फ क्रिएटेड थिंग्स which you need to have patience but this is 100% ye cheez ho jayegi right so that is not a problem at all so 50 ha rebuy ka koi puch rahe hain ki rebuy is going to be either 50 ka rebuy hoga ya 125 ka so 4x mein is going to be your 125 hu rebuy okay so this is your upgrading ke baad mein aapka jo rebuy hai wo 4x mein 125 ka hone wala hai right So, madam, someone is asking for 50 withdrawal minimum 50 rahega ya 125, but desperately is wanted to know.
ओके सो अभी तक ये चीज तो कंपनी ने नहीं बोली है कि विड्रॉवल में आपका जो है वो 125 होना चाहिए, ऐसा नहीं उन्होंने बोला हुआ है. सो देयर इज नो इंफॉर्मेशन ऑन दिस थिंग, सो वी अज्यूम इट्स द सेम. ओके बिकॉज देयर इज नो स्पेसिफिकेशन, मतलब ऐसा स्पेसिफिकली विड्रॉवल के ऊपर नहीं आया है कि आपका कोई 125 का ही होगा या 100 का ही होगा तो ही होगा, ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है. सो जिसके ऊपर स्पेसिफिकेशन नहीं है वी अज्यूम इट इज एज सेम एज इट वॉज. मैम एक ना केवाईसी को लेके एक थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे. हाँ जी, मोस्टली लोगों ने केवाईसी किया हुआ है, मैं सबको अवेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे. आप ना प्लीज अपना ना ईमेल जरूर चेक करें, लोगों को ना काफी को ईमेल आ रहे हैं वहाँ पे. yes. किसी का फोटो ब्लर है या किसी का को जो उसने अपना आधार कार्ड अपडेट किया है वो क्लियर नहीं है, तो yes. लोग अपने ना ईमेल नहीं स्टडी कर रहे हैं. उसको आप ईमेल को अपने चेक करते रहिए, जिसका जो प्रॉब्लम लिखा गया उसको आप सॉल्व करिए. फोटो ब्लर है तो फोटो अपनी क्लियर करके खींचिए, जो आपके डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसको क्लियर अपलोड करिए और आपका केवाईसी हो रहा है. मेरी टीम में 99% लोगों का केवाईसी अपडेट हो चुका है सबका. यस, मेनी ऑफ देम, यस आई रिसीव रिस्पांस, यस बहुत सारे लोगों का. हाँ. तो मुझे पहले लिख रहे थे केवाईसी के लिए, इट इज डन. यस, तो मेल लोग मेल चेक ही नहीं कर रहे हैं अपनी. प्लीज अपनी मेल चेक करिए, अपना बैक ऑफिस चेक करिए, तो जो आपका प्रॉब्लम लिखी गई है जो कंपनी की तरफ से उसको सोल्यूशन करिए और आपका केवाईसी डन हो जाएगा. yes. और जो 50 का विड्रॉल है वो सिंपल है दोस्तों, विड्रॉल 50 का ही है क्योंकि आपका केवल 4x हो रहा है. ये वाले क्वेश्चन जो है ना, जो कोई पूछ रहा है 50 का विड्रॉल हो जाएगा ये, तो इस चीज का कोई मैटर ही नहीं बन रहा है. आप वो क्वेश्चन कर रहे हो जिसका कोई मतलब, आपने दिल्ली जाना है और आप रास्ते से ट्रेन में चढ़ गए, पूछ रहे हो भैया ये ट्रेन दिल्ली ही जाएगी, तो ये तो मतलब कोई बात बनती नहीं है. ऐसे सवाल मत करिए, हम यहाँ पे चर्चा के लिए ही आए हैं 4x के लिए. तो कंपनी का 3x से 4x हो रहा है और लोग ऊट पटांग सवाल कर रहे हैं. यार आप कम ऑन, आप सभी एक मच्योर बंदे हो जो भी आप यहाँ पे हो, तो आप वो बात करें जिसका कोई मतलब है, ठीक है ना. तो बाकी मैंने जो बताया सभी बैक ऑफिस चेक करिए. यस, 4x के बाद डेज कितने रहेंगे, तो 1300 प्लस डेज रहेंगे. 1333 अप्रोक्सीमेटली आर द डेज. 1333, यस 1333 तो इजी है सबको रिमेंबर करने के लिए. 1333, ओके. सो 4 डिजिट का नंबर दे दिया है कंपनी ने आपको, बोला है बहुत समय तक टिके रहो हमारे साथ में. मैंने कल इसका कैलकुलेशन अपने वीडियो पे दिखाया था कि इसको अगर आप एक मिनिमम मेंबरशिप लेते हो तो हाउ मच विल बी यू नो द वैल्यू यू नो ऑफ अ मिनिमम मेंबरशिप इन 1333 डेज, ठीक है. तो दैट वाज अमेजिंग, मतलब आप 400 से 20,000 was the value that was, but you keep on rebuying, you know, on every jo ye aa raha tha, I think 2 months ke andar aa raha tha, theek hai, 1.5 ya 2 months ke andar aata tha, to us pe agar aap karte ho to wo pura ye value aa raha hai, theek hai. aur wahan se fir aap soch sakte ho. dusra kya ki abhi hum 600 days tak hamare ko milta tha, almost double se zyada hi ho gaya, 1200 hai 1333 days. yes yes, so, absolutely. So it is more than you know, जो यू आप लोग देख रहे थे उसके लिए, तो पूरा हमने उस पर पूरा डिटेल में डिस्कस किया था इसको लेके. तो लॉन्गर ड्यूरेशन में दिस इज डेफिनेटली इट इज अ बेटर प्लान. अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन की बात करें, आपकी पेंशन की बात करें या आपकी यू नो लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम की बात करें, तो इट इज अ वंडरफुल ऑप्शन, नो डाउट अबाउट इट. यस ऑफ कोर्स. Okay, so let me just see. पेज कहीं पे रुके तो हम कुछ देखें. Okay, if you have 300 HU in 3x, now another is come, now another is come. अब लिखते रहो, फिर आप लोग पूरी रात लिखते रहो, हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे, जब रुक जाएगा तब हम उसको आंसर करेंगे. एक मिनट, मैं जो चैट है ना अभी इसको मैं नो वन पे करने जा रही हूँ. डिसेबल कर दीजिए. यस, डिसेबल कर दिया अभी मैंने उसको. सो नाउ वी कैन एटलीस्ट रीड व्हाट द अदर्स हैव रिटन. ओके ओके, अभी ये इन्होंने लिखा हुआ है, मैम अगर कोई नया है तो उसे पहले एक पैकेज के अलावा अदर पैकेज बाय करना पड़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. दे कैन स्ट्रेट बाय अ 4x पैकेज विच इज ऑलरेडी अवेलेबल इन टू योर बैक ऑफिस. इट इज नो नीड कि उनको पहले एक 3x लेना है फिर एक 4x लेना है, ये डबल काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. 4x का पैकेज जो है वो ऑलरेडी आपको सामने अवेलेबल है, आपको उसी को आप ले सकते हो.
राइट। सो एक सेकेंड को चीज को हम आंसर कर लेते हैं। ओके, इफ आई हैव परचेस्ड 1000 यूएसडीटी मेंबरशिप, ओके 3x मेंबरशिप बिफोर, इन दैट मेंबरशिप आई हैव लेफ्ट $2000 नाउ इन बैलेंस, सो विल आई गेट